Today, the chapter is the fundamental unit of life, class 9, first chapter of biology. Look at the whiteboard. The fundamental unit of life, it may be called as the basic unit of life or the smallest unit of life. Building units of life, structural unit of life, and functional unit of life. What is basic unit of life? It is our cell, Kosika. It is called as cell is the basic unit of life. Cell is the smallest unit of life. Cell is said to be the building unit of life. Cell is structural unit of life. Cell is functional unit of life. ये कोशिका है, इसे हम लोग basic unit of life कहते हैं, smallest building, structural, functional. What is the definition of this cell? Definition. Cell is the structural and functional unit of life for all living organisms to complete life processes as digestion, respiration, excretion, etc. ये जो कोशिका है सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है और ये क्या करते हैं जितनी तरह के जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सारे को पूर्ण करती है. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल. द सेपरेट यूनिट इज ब्रिक. ये सारी ईंटें हैं किसी दीवार की और ये क्या स्ट्रक्चर बना दिया एक दीवार का और प्रत्येक जो ईंट है ब्रिक्स है ये मिल मिल कर एक दीवार का स्ट्रक्चर बना दिया. तो अगर हम इसके अंदर एक न्यूक्लियस रख देते हैं ऑल द सेपरेटेड यूनिट्स ऑफ वॉल इज नोन एज द सेल. दिस इज न्यूक्लियस. इफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड सेल. इन क्लास 9 हम लोग प्याज के छिलके का कोशिका देखते हैं. दिस इज द ओनियन पील द सेल स्ट्रक्चर. और जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा. ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या है दीज आर द सेल्स. एंड वी नो दैट द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में कि ये जो कोशिकाएं बन रही है ये कोशिकाएं किसकी है तो ये प्याज की छिलके की कोशिका है. दिस इज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और एक हम सिंपल स्ट्रक्चर कोशिका का देख सकते हैं. द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एट फर्स्ट हु डिस्कवर्ड सेल एंड ऑब्जर्व सेल. आवर रॉबर्ट हुक discovered the term cell in 1665 in cork cell of plant.
Robert Hooke, a great scientist, in 1665, he discovered sail. And where it observed? In cork sail of plant. Sail threw in, slided and swam. Two scientists gave sail theory. And he explained by giving the following points. First, all organisms are composed of cell. Look at the first point. All organisms are composed of cells. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किससे बना होता है? सेल्स. सेल्स और बहुत सारे सेल्स आपस में अगर मिलेंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे. टिश्यूज मिलके फिर ऑर्गेनिज्म बनेंगे और ये चलता रहेगा. तो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है. और स्लाइडेन एंड स्वान ने ये बताया था नेक्स्ट द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल्स जो अराइज हो रहे हैं वे प्री मैच्योर सेल से मैच्योर सेल हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि मैच्योर सेल पहले बन गया. द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. थर्ड पॉइंट, ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल. अब कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं कि द स्टडी ऑफ सेल द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. सेकेंड, द टर्म न्यूक्लियस इज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन. और इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल. ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाएगा? न्यूक्लियस को. क्योंकि किसी भी सेल में अगर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे द ब्रेन ऑफ द सेल. नेक्स्ट है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को. दो टर्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म. इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म. ये सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर है. ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसको हम लोग डिटेल में करेंगे. ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. द बाउंड्री वॉल ऑफ एनिमल सेल. दिस इज एनिमल सेल. सिंपल एनिमल सेल. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आएंगे. और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे? तो क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस. तो द स्ट्रक्चर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग बोलेंगे साइटो प्लाज्मिक स्ट्रक्चर. और यहाँ जो अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसको हम लोग बोलेंगे साइटो न्यूक्लियो प्लाज्मिक स्ट्रक्चर. तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. और इस साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. अगर पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, इज माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट हेयर. दिस इज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जा रहा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर. तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज 100% साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर.